कंस्ट्रक्शन महज एक वर्ड नहीं है बल्कि ये कहीं ना कहीं हर एक इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है क्योंकि इट इज डेस्टिनी व्हिच हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द कंस्ट्रक्शन सेगमेंट एंड टू कंट्रीब्यूट नॉट इन माय ओन वे पीईबी टेक्नोलॉजीज है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग या प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग आपने काफी सारे अपीयल्स देखे हैं काफी चैलेंजेस देखे होंगे आप प्रोजेक्ट बिजनेस एज इट इज वेरी चैलेंजिंग यंगस्टर्स है अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं इसी फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप एक बिगनर को क्या टिप देंगे यंगस्टर है उसको ये देखना चाहिए कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बहुत स्वागत है आपका फाउंडर्स टॉक के एक और एपिसोड में दोस्तों जब भी हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा डाइवर्स कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस वर्ल्ड की बात करते ही काफी सारी चीजें हमारे माइंड में आती हैं और उसमें से एक चीज जो सबसे पहले आती है वो है कंस्ट्रक्शन तो कंस्ट्रक्शन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है वो हर एक इंसान की जिंदगी से चाहे वो आम हो या खास जुड़ा होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में जो चीजें आती हैं वो आते हैं कॉर्पोरेट टावर्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग और कहीं ना कहीं सपनों का घर तो आज अपने इस एपिसोड में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सेक्टर की और इसी के साथ हम इस पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो भी इसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए एक पायनियर हैं एक बहुत ही खास इंसान हैं जिनका कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान कंट्रीब्यूशन रहा है तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस एपिसोड को एंड तक देखें जुड़े रहें क्योंकि ये बात सिर्फ कंस्ट्रक्शन की नहीं है ये बात है हर एक आम इंसान की जो सपना देखता है अपने सपनों के घर का तो जल्दी से इन्वाइट करते हैं अपने आज के मेहमान को मिस्टर संजय सिंघानिया हेलो हाय सो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज की इस एपिसोड में फाउंडर्स टॉक के ऊपर मैं अभी अपने व्यूअर्स को बता रही थी कि कंस्ट्रक्शन महज एक वर्ड नहीं है बल्कि ये कहीं ना कहीं हर एक इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ है क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो माइंड में जो चीजें आती हैं कॉर्पोरेट टावर्स बड़ी बड़ी बिल्डिंग और कहीं ना कहीं सपनों का घर तो शुरुआत करते हैं सवाल के साथ संजय जी सबसे पहले ये बताइए कि ये जो आपकी कंपनी है ईपैक इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कहाँ से ये आइडिया आया और ये कंपनी किस दिशा में काम कर रही है या सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर फर्स्ट ऑफ ऑल एंड जहाँ पे मतलब आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट विद मास्टर्स इन फाइनेंस एंड टुडे आई एम रनिंग अ इंजीनियरिंग कंपनी अ कंस्ट्रक्शन कंपनी सो डेफिनेटली यू नो लाइक इट इज डेस्टिनी व्हिच हैज गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन द कंस्ट्रक्शन सेगमेंट and to contribute you know, in my own way. And you know, as far as the idea of getting into pre-engineered building or the construction industry is concerned, it came up, you know, we didn't start as a construction company actually, first of all. We started with a product known as sandwich panels, insulated sandwich panels, which are used for telecom shelters. So aap jo bade bade towers dekhte hain, telecom towers, उनके साथ में छोटा सा रूम लगा होता है मॉड्यूलर रूम टेलीकॉम सेल्टर बोलते हैं इसको सो वी स्टार्टेड विद द पर्पस ऑफ मेकिंग दोज स्मॉल टेलीकॉम सेल्टर्स एंड दोज टेलीकॉम सेल्टर्स आर मेड विद इंसुलेटेड सैंडविच पैनल्स सो वी बेसिकली स्टार्टेड एज अ इंसुलेटेड सैंडविच पैनल मैन्युफैक्चरर ओके सो सर ये जो आइडिया है कि इस सेक्टर में आना है ये कब कंसीव हुआ तकरीबन अगर आप एक्सपीरियंस आपका देखा जाए तो कितने सालों की आपकी जर्नी रही कहां से ये आइडिया आया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है इसी सेक्टर में जाना है या सो यू नो लाइक वी स्टार्टेड एज अ सैंडविच पैनल मैन्युफैक्चरर एंड देन इवेंचुअली यू नो लाइक व्हेन वी गॉट इन द मार्केट वी रियलाइज्ड वेरी सून दैट दिस टेलीकॉम सेल्टर मार्केट इज ऑलरेडी टू ओवरक्राउडेड एंड इट विल नॉट मेक सेंस फॉर अस टू बी इन दिस मार्केट फॉर वेरी लॉन्ग So we started looking out for opportunities where all we can use our insulated sandwich panels. Then I think, you know, like during our market research, we realized that this sandwich panels also can have an application as a drywall technology in the construction segment. So we started, you know, usage of this sandwich panels in construction sites, you know, for making those small modular housing. Like, you know, we started making modular housing for the construction companies like the L&Ts and others and facilitating their people to get into a site very soon and start working at the site. So we started making those site offices and staff quarters and things like that
आउट ऑफ दिस थर्मली इंसुलेटेड सैंडविच पैनल्स, जिससे क्या होगा था बेनिफिट कि यू नो दे वुड रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ द पीपल फॉर द पीपल वर्किंग इनसाइड द बिल्डिंग, यू नो दे वुड गिव अ क्लीन एनवायरमेंट, लो मेंटेनेंस काइंड ऑफ एनवायरमेंट, वॉल्स यू नो व्हिच कैन बी वॉशेबल सो इजीली क्लीन, बिकॉज़ साइट होती है, कंस्ट्रक्शन साइट जो होती है उसमें चैलेंज होता है कि वहां पे आप कितना भी अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, बट इवेंचुअली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम दे बिकम डर्टी एंड लुक वेरी शैबी. सो आई थिंक आवर प्रोडक्ट यू नो लाइक सॉल्व दैट प्रॉब्लम. सो उसके वजह से क्या हुआ कि एक्सेप्टेंस ऑफ द कस्टमर स्टार्टेड इंक्रीजिंग. द पीपल हु वर वर्किंग इनसाइड दोस मॉड्यूलर हाउसेस दे फेल्ट क्वाइट कंफर्टेबल यू नो इन दिस इंसुलेटेड बिल्डिंग्स. सो वो उसी से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई. सो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी बाई मेकिंग सम वेरी स्मॉल बिल्डिंग्स, बट टूडे वी आर मेकिंग यू नो द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, द वेयर हाउसिंग बिल्डिंग्स इन द कंट्री. सो वेन वी लुक एट द बिल्डिंग्स विच वी मेड यू नो इन आवर स्टार्टिंग विथ से 50 square feet और 60 square feet, यू नो लाइक वी सी आवर सेल्स कमिंग अलॉन्ग विद. संजय जी, आपसे डिस्कशन करते हुए एक टर्म आया था पीईबी टेक्नोलॉजीज, क्या चीज होती है वो और कंस्ट्रक्शन में इसका क्या रोल है? या सी पीईबी है प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग या प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग. तो ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग जो होती है, तो प्री इंजीनियर्ड का मतलब होता है नो लाइक बिल्डिंग्स व्हिच आर मेड इन आवर फैक्ट्री और इन एनी फैक्ट्री एंड दे आर इंस्टॉल्ड एट द साइट. सो our buildings are designed in such a way that 92% of our value chain, सारे के सारे जो जितने भी structure होता है उसका, जितनी भी दीवारें होती हैं, वो सारी की सारी factory में ही बन जाती है और site पर जाकर केवल assemble हो जाती है. उससे benefit क्या होता है, एक तो जो losses होते हैं manufacturing के या site के वो कम हो जाते हैं, time जो होता है most importantly time वो half से भी कम हो जाता है construction time, and thirdly there is a better control on the entire project timelines, so project management becomes quite easier. So ye PEB hai ki jahan pe buildings are made in the factory and delivered to the site and just nut bolting karke wahan pe building erection ho jati hai. Sanjay ji, since you've been in this industry for like donkey's years, aapne kafi sare upheavals dekhe hain, kafi challenges dekhe honge, I'm sure unko tackle bhi bakhoobi kiya hoga because you're still in the industry and pioneering it. To agar main aapse poochu ki koi aisa project jo aapke liye sabse zyada challenging raha ho aur uska reason ki wo challenging kyun raha. Yeah, this is a very interesting question. You know, like project business as it is very challenging. All the projects, like every time you have a new project, it has some challenge or the other. But one of the project which is very, you know, close to my heart as a challenge is a project which we did for a company known as Gold Plus Glass. It is one of the largest float glass manufacturing plant which we did for them in the year 22. And you know, like iski jo story hai wo main bataunga ki, you know, like I was on a vacation in Goa with my family. And then, you know, like during one of those days when I was on vacation, I got a call from one of our customers, you know, like this particular company's purchase head. He called me and he said, you know, like we are coming up with a new factory and my chairman would like to do a video call with you. I told him I am on a vacation, so, you know, let us connect after 2 days or 3 days. So right. They said, it is really urgent and my chairman is here at the site and he wants to talk to you. I said, okay, let us get into the call at 11 a.m. Because, you know, like that was the time when I was also doing the course from IIM Ahmedabad of B2B. Right. So there was a, you know, tea break of half an hour from 11 to 11:30. So I thought, you know, I told him, okay, let's get into a call at 11 o'clock. So we came into the call, the chairman of the company came into the call. And during the call, you know, like he sounded like, you know, like he wanted to make a complete project of around 2,500 crores. In just 11 months. So I could very well sense his, it's a huge amount, and I could very well sense his urgency and his passion to complete this project on time. So actually, you know, like it inspired me, and during the discussion I realized that, you know, like this site was coming up in Belgaum, Karnataka, and I was in Goa, so which is just, you know, 4 hours drive from Goa. So this chairperson, he asked me, you know, like can you come over to the site. I told him I didn't realize, you know, he was in Belgaum.
I told him, okay, after 2 days I am going to Delhi, and thereafter, you know, like I will come to your to meet you at your site. You know, he told me, since you are in Goa already and we are just four hours away from you, can you, you know, come tomorrow? And then, you know, like without thinking anything, I said, okay, let me come. Then, you know, this is how, you know, we engaged. And then I went there, we liked each other, you know, he liked my passion. He liked, you know, like the way I understood the building and his agency. And then we immediately finalized, you know, such a huge order of more than 100 crores in just, you know, in just a couple of hours. And the most interestingly, I took as a challenge, because us time pe jo hamara sabse bada order tha, wo less than 20 crores ka tha. Us time hamara pas capability. Aur ye order, was a huge leap. It was a huge leap. So 20 crores se 100 crores jana tha hame. और ये 100 करोड़ का जो रेवेन्यू था उस टाइम पे हमारा, हम 4 महीने में करते थे, 5 महीने में करते थे, है ना? सो वी डिडंट हैव द कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमारी इतनी नहीं थी, बट द बेस्ट पार्ट वाज, यू नो, लाइक वी वर कमिंग अप विद अ न्यू फैसिलिटी इन राजस्थान. सो मैंने सोचा कि ठीक है, या लेट मी टेक दिस चैलेंज, बिकॉज यू नो इट विल हेल्प मी टू एक्सपेडाइट द अपकमिंग फैसिलिटी. सो आई टुक दिस एज अ चैलेंज. आई टुक दिस, यू नो, लाइक ऑर्डर ऑन 1st of February 2022, एंड देन, you know, like it helped me expedite my. And that was also just after the COVID wave, right? That was also just after the COVID wave. Yeah. In the challenging times. Yeah, challenging times. And most important kya was ki it helped me, you know, like expedite my own upcoming facility. जो हमारी facility जो अगले 6 महीने में बनने वाली थी, वो हमने 2 महीने में तैयार करी और वहाँ से माल बना के देना चालू किया बेलगाम कर्नाटका. तो राजस्थान से कर्नाटका तक की जर्नी थी. और ये जो बिल्डिंग है, ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग थी एवर. ये एक सिंगल बिल्डिंग 17 लाख स्क्वायर फीट की है और इसको हमने सारा का सारा मेटल बनाया हमारी ग्रेटर नोएडा फैसिलिटी में और राजस्थान की फैसिलिटी में, और वहाँ से बेलगाम कर्नाटका तक पहुँचाया और उसको 6.5 महीने में कम्प्लीट करके दिया हमने. यू नो, लाइक वी यूज टू डू एवरी डे इन द मॉर्निंग एट 8 AM डेली रिव्यू. नो, लाइक we monitored each and every small movement of material and we ensured that full kitting, jo pura ka pura pre-engineered building mein kya hota hai ki bahut sare elements hote hain, because sare elements factory mein ban rahe hote hain aur ye important hota hai ki sare ke sare jo elements hote hain, hai na, unko ek sath site pe pahunchana bahut important ho jata hai, jisko hum bolte hain full kitting. To full kitting ko ensure karna hai to dur se baith ke. Aur ye jo building hai, iske liye matlab aap believe nahi karenge, 600 ट्रक्स, कम से कम 600 से 700 ट्रक मटेरियल हमने अपने ग्रेटर नोएडा प्लांट से और राजस्थान प्लांट से बेलगाम कर्नाटक तक पहुंचाए. उसकी सिक्वेंसिंग करना, उसको इंश्योर करना कि वो फ्रेम बाय फ्रेम लगते रहे टाइम से. और काबिल तारीफ बात यह है कि हमारी जो एंटायर टीम है वो बिल्कुल एकजुट होकर उसने काम किया. उसने कोई मतलब दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, धूप नहीं देखा, बारिश नहीं देखी. एक टाइम तो ऐसा था कि हमारे जो वर्कर्स थे वो 3-3 फीट पानी पे खड़े होके और हमारी जो साइड की वॉल होती है, क्लैडिंग होती है, उस पर काम कर रहे थे. तो इतना जबरदस्त मजा आया उस प्रोजेक्ट को, और हमने जब कंप्लीट किया तो वो पूरे हिंदुस्तान में एक हिस्ट्री क्रिएट करी. सो देयर इज अ, यू नो, लाइक लॉट ऑफ इमोशनल कनेक्ट आल्सो वी हैव विद दिस प्रोजेक्ट, दिस बीइंग अ वेरी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट. तो इस आंसर से अगर हमारे व्यूअर्स के लिए 2 टिप्स निकलती हैं तो वो ये है कि एक तो टीम वर्क मैटर्स, जैसे आपने बताया कि एक बॉन्ड हो गया था, कनेक्ट हो गया था, किसी ने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सब एकजुट होके लग गए. और दूसरी चीज ये कि एवरीबडी हैज पोटेंशियल, आपको अपनी लिमिट को पुश करते रहना है, रुकना नहीं है. yes. संजय जी, आपने इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है, बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में है, आपने कई ट्रेंड देखे होंगे जो आए और गए और जो शायद अभी तक टिके रहे हैं. तो क्या लगता है कि इस इंडस्ट्री में कोई रेवोल्यूशन आया है, क्या आया है, और अगर कुछ चीजें बेहतर हुई हैं तो वो बेहतर हुई है फॉर द बेटरमेंट, या उनसे इतना खास असर नहीं पड़ा है इंडस्ट्री को लेकर, अगर हम चेंज की बात करें तो इतने सालों में, ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स? सी, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग जो है अभी भी इंडिया में एक नेशनल स्टेज पे है ना, एक इंटेंसिव स्टेज पे है, लेकिन प्री इंजीनियर बिल्डिंग में बहुत सारे बदलाव आए हैं. व्हेन यू लुक एट द वे इट इज बीइंग डिजाइंड, when you look at the way it is being manufactured, when you look at the way it is being handled and executed at the site, तो बहुत सारे बदलाव आए हैं, और सारे बदलाव एक पॉजिटिव बदलाव है, क्योंकि pre-engineered building जो होते हैं, sustainable building, green building solution है ये, है ना? और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो buildings आज हम बना रहे हैं, जिस size की buildings बना रहे हैं,
हम भी इस बिजनेस में काफी सालों से है, हमने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि हम कभी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, बिकॉज द ओवरऑल साइज ऑफ द इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, द लॉजिस्टिक्स एंड द वेयर हाउसिंग बिल्डिंग्स हैव गॉन अप लाइक एनीथिंग। आज के डेट में मतलब कोई भी अच्छा एंटरप्रेन्योर है या अच्छी कंपनी है, वो मतलब 10-20 हज़ार 50 हज़ार स्क्वायर फीट की बात नहीं करता है, वो बात करता है लाखों स्क्वायर फीट की, कि मैं 10 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बना रहा हूँ, मैं 5 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बना रहा हूँ। तो उस साइज में जबरदस्त चेंज आया है लास्ट 5-6 सालों में स्पेशली। और दूसरा एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, वो आया है रिलेटेड टू द अवेयरनेस, द अवेयरनेस फॉर इंसुलेशन। हमारी जो बिल्डिंग्स होती है वो पहले तो क्या होता था कि बिल्डिंग बनाना ही अपने आप में काफी बड़ी बात होती थी, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बनाना। जी तो लोग क्या कि वो जो पतरा बोलते हैं ना रूफिंग में, लोहे की चादर है सर, वो लगा के खुश हो जाते थे पहले तो। उसके बाद उसको कलर कोटेड अगर रूफ लगा लेते तो उनको बहुत अच्छा लगता था। बट आज के टाइम पे पीपल हैव बिकम अवेयर, सो दे आर नॉट हैप्पी जस्ट पुटिंग अप दैट यू नो कलर कोटेड रूफ, उसके नीचे इंसुलेशन लगाते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल। उससे क्या होता है कि जो बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो वर्कर्स हैं जो उसके अंदर काम कर रहे हैं, उनको एक कंफर्ट लिविंग मिल जाती है, उनको एक कंफर्ट स्पेस मिल जाता है काम करने का। उस इंसुलेशन की वजह से जो बिल्डिंग का टेम्परेचर है वो 4 से 5 डिग्री 7 डिग्री तक रिड्यूस हो जाता है। सो दिस इज अ ट्रेंड, यू नो लाइक दिस इज अ बिग चेंज विच आई सी इन द प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग इंडस्ट्री ओवर द लास्ट 3-4 ईयर्स स्पेशली। और इसी में काफी काम हो रहा है, जैसे कि अब जो आर्किटेक्ट्स हैं हमारे, कंसल्टेंट्स हैं, आई सी यू लाइक दे आर फोकसिंग अ लॉट ऑन द यूज ऑफ डेलाइट, द यूज ऑफ नेचुरल लाइट इन टू द बिल्डिंग, द यूज ऑफ द बेटर वेंटिलेशन सिस्टम इन टू द बिल्डिंग। तो इस तरह की चीजों में काफी काम हो रहा है, और जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, सारे सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं इसमें। एक दूसरी एक मेजर प्रॉब्लम थी प्री इंजीनियर बिल्डिंग में काफी सालों तक रही, वो थी लीकेज की प्रॉब्लम थी। क्योंकि इस तरह की बिल्डिंग ही होती है, ये फैक्ट्री में बनती है और साइट पे इसका एग्जीक्यूशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि एग्जीक्यूशन में कई बार वर्कमैनशिप में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो तो उसका इम्पैक्ट क्या आता है कि बिल्डिंग में लीकेज होती है बारिश के टाइम पे। तो नाउ एज ए इंडस्ट्री यू नो लाइक वी हैव कम अप विद लॉट ऑफ इनोवेटिव सॉल्यूशंस, जिससे क्या हो रहा है कि जो लीकेज है वो एब्सोल्युटली बंद हो गई, जीरो हो गई है। आज जितनी भी बिल्डिंगें बन रही है ये सब लीकेज प्रूफ है, 100% गारंटी है इसकी, लीकेज प्रूफ है, 10 साल 20 साल 25 साल की गारंटी हम लोग दे रहे हैं अपने कस्टमर। मतलब दिल्ली जैसी जो बारिश आई थी वो भी आए तो उसमें भी वो लीकेज प्रूफ खड़ी रहेगी। यस संजय जी, जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करते हैं तो माइंड में एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं वर्क एक घूमता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब होती है तो बहुत सारे एनवायरनमेंटल इश्यूज भी आ जाते हैं सामने। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट रहा हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो जहाँ पे आपके काम के दौरान कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस आया हो कि ये कंसर्न रेज हुआ है और आपने उसको कैसे टैकल किया है? या सी सबसे अच्छी बात यह है कि प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स जो होते हैं ना, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है ना। ये अच्छा प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स जो होते हैं ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हैं, प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स जो होते हैं ये रॉ मटेरियल कम यूटिलाइज करते हैं, है ना। तो रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होता हमारे, बिकॉज एवरीथिंग इज वर्क, यू नो वी आर वर्किंग इन अ कंट्रोल्ड एटमोसफियर इनसाइड द फैक्ट्री थ्रू ऑटोमेटेड एंड रोबोटिक प्रोसेसेस, तो वेस्टेजेस बहुत मिनिमाइज हो जाती है प्री इंजीनियर बिल्डिंग। एक्चुअली हमारे जो सॉल्यूशन है ये तो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यस चैलेंजेस ये आ सकते हैं कि साइट पे किसी हमारे कस्टमर को एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिला है या उसको डिले मिला है, वो चैलेंजेस अलग बात है ना। वो किसी भी, वो तो कंस्ट्रक्शन की मेथड जो है वो कन्वेंशनल में भी रहेगा और प्री इंजीनियर में भी रहेगा। बट द ब्यूटी ऑफ प्री इंजीनियर बिल्डिंग ओवर अ कन्वेंशनल यू नो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इज दैट दिस इज एनवायरमेंटली फ्रेंडली, वी रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, आवर मटेरियल आर रीयूजेबल, 92-98% ऑफ द मेटल विच वी यूज दे आर रीयूजेबल, है ना। तो ये हमारे अच्छा इट इज प्रोडक्ट्स, रीयूजेबल। ओके या एंड नो वी डोंट यूज वाटर इन आवर प्रोसेस, हम एक सिंगल ड्रॉप वाटर भी यूज नहीं करते हैं इवन ड्यूरिंग द अच्छा मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन एट द साइट। हमें जो पानी चाहिए होता है वो सिर्फ डोमेस्टिक वाटर जो बोलते हैं, जो हमारे वर्कर्स को पानी पीने के लिए चाहिए, वही चाहिए एंटायर प्रोसेस में। हमारे मैन्युफैक्चरिंग में या एप्लीकेशन में कहीं भी एक सिंगल ड्रॉप वाटर भी हम यूज नहीं करते हैं। सो ये इस टेक्नोलॉजी की खास बात है। दूसरा है कि हम एयर पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते, हम डस्ट पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। तो इवन इन सिनेरियोज जहाँ पे कि दिल्ली एनसीआर में बहुत होता है कि एनजीटी का बैन लग जाता है, तो इवन ड्यूरिंग दोज पीरियड ऑल्सो यू नो लाइक
the ban, you know, is not applicable on the pre-engineered building. So हम जो modular housing करते हैं, especially modular housing में तो ban होता ही नहीं है. But going forward, you know, we need to connect with the concerned secretariats, concerned ministries to stop the ban on the pre-engineered building. You know, like ban is not required because we don't do any kind of dust pollution or air pollution. So जहाँ पे construction pre-engineered building का हो रहा है, वहाँ पे NGT का ban होना ही नहीं चाहिए. तो सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं व्हेन इट कम्स टू यू नो लाइक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट की बात करें. एनवायरनमेंटल फ्रेंडली है काफी जो अगर हम पीवी की बात करें. अच्छा संजय जी, टेक्नोलॉजी एज वी आर ऑल सराउंडेड बाय टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एरा में हम लोग जी रहे हैं, तो इस फील्ड में टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा रोल प्ले रहा है? पीवीज में पीवी की खास बात क्या है कि ये जो बिल्डिंग होती है फैक्ट्री में बनती है और साइट पे एग्जीक्यूशन होता है सर, इसका नट बोल्टिंग टाइट होती है. सो पीवी डिमांड से वेरी हाई लेवल ऑफ प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, तो हाई प्रिसिशन चाहिए, हाई एक्यूरेसी चाहिए. तो उसके लिए क्या होता है कि वी नीड टू हैव नो लाइक राइट फ्रॉम डिजाइनिंग स्टेज वी नीड टू हैव यूज वेरी सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स एंड डिजाइनिंग. फिर उसके बाद डिटेलिंग होती है जहाँ पे कि ईच एंड एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ द बिल्डिंग इज पुट टुगेदर और वो सॉफ्टवेयर पता चल जाता है कि उसको कैसे फिक्सिंग करनी है, कैसे उसको डिजाइन करना है. तो वो जो सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रॉपर सॉफ्टवेयर से यूज करना, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, उससे डिजाइनिंग और डिटेलिंग जो होती है हमारी उसको एरर प्रूफ बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. दूसरा है कि हमारे ओवरऑल जो सिस्टम्स होते हैं इसमें कंपनी में, इसमें मेटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वी यूज नो लाइक हमारे जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होती है जो साइट पे जाती है, हजारों आइटम जाती है साइट पे एक साथ, और अगर हजारों आइटम है उसमें से हजार में से अगर 999 भी अगर आइटम्स है वहाँ पे, सिर्फ एक आइटम भी मिसिंग है तो बिल्डिंग को इरेक्शन नहीं हो सकता. एक छोटा सा स्क्रू या नट बोल्ट भी अगर रह गया है तो बिल्डिंग का इरेक्शन नहीं हो सकता है, द प्रोसेस इज इनकम्प्लीट, राइट? तो वो काम रुक जाता है सारा का सारा. उसके लिए वी नीड सम वेरी सोफिस्टिकेटेड ईआरपीस एंड यू नो लाइक डिजिटलाइजेशन प्रोसेस, कि एक पूरी फुल किटिंग हो मैन्युफैक्चरिंग से लेके एग्जीक्यूशन से लेके सप्लाई से लेके और कंप्लीट एक सीमलेस है ना वैल्यू चेन को, सप्लाई चेन को मॉनिटर कर पाए. तो वहां पे टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है हम लोगों के लिए. एंड देन वी यूज यू नो लाइक सम वेरी हाई स्पीड मशीन्स फॉर ऑटोमेटेड वेल्डिंग इन आवर प्रोसेस, automated cutting in our process, laser cutting. So technology is of paramount importance. बहुत जबरदस्त importance है हमारे लिए. And you know like now what we have also done is you know like going forward we also need to integrate various you know technologies and softwares and put it as a one complete platform. So उसके लिए हमने अभी क्या क्या recently you know like we have also developed that we have also you know like put up a AI team in our company. तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीम में काम हो रहा है, उसमें काफी लोग आईओटी में काफी काम कर रहे हैं एंड दे आर अंडरस्टैंडिंग आवर प्रोसेसेस एंड ट्राइंग टू स्ट्रीमलाइन द यू नो एंटायर प्रोसेस थ्रू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. यू नो व्हेन वी स्पीक अबाउट सेफ्टी इट्स अ वेरी मेजर कंसर्न, तो और स्पेशली कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर हम बात करें तो हाउ डू यू इंश्योर द सेफ्टी एट योर कंस्ट्रक्शन साइट्स, क्या मेजर आप अप्लाई करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. सी सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस है ना. वी वैल्यू द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग फॉर अस एवरीथिंग एल्स है ना, उनकी जो जान की कीमत है वो इट इज नो लाइक ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस टू अस, वो बहुमूल्य है हमारे लिए और वो किसी भी मतलब इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन की नो लाइक वी डोंट वॉन्ट एनी ऑफ आवर पीपल टू डू इवन स्लाइटेस्ट ऑफ मिस्टेक और यू नो लाइक ट्राइंग टू सेव अ पेनी ऑन सेफ्टी यू नो लाइक. So and you know like they are working on the height. हमारी जो building होती है वो 12 meter, 15 meter, 20 meter height तक की building है, 30 meter height तक की building होती है. तो वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी जो safety है और वो heavy metal use कर रहे होते हैं, heavy structure को carry कर रहे होते हैं. वहाँ पे each and every step पे it is important to create an awareness and training among the workers. It is important to you know like give them a daily dose of safety training. तो हमारे यहाँ पे क्या है कि वी हैव अ डेली यू नो टीबीटी बोलते हैं लोग उसको, टूल बॉक्स ट्रेनिंग सिस्टम, जहाँ पे कि ईच एंड एवरी साइट पे जितने भी वर्कमैन होते हैं उनको डेली सुबह काम स्टार्ट करने से पहले वो टीबीटी ट्रेनिंग दी जाती है, टूल बॉक्स ट्रेनिंग दी जाती है एवरी डे
एंड उनको कोई ना कोई सेफ्टी से रिलेटेड एक लेसन दिया जाता है एवरीडे, सम न्यू लेसन इज बीइंग गिवन टू देम. अच्छा, इट्स एन एवरीडे प्रोसेस. Yes, yes, every day, every day. We have a safety team of close to 30-35 people with safety officers, you know, like, so monitor this, that har side pe ho raha hai ki nahi ho raha hai properly, uske sare photograph lena, daily ki video lena, aur uske baad jitni hamari site hoti hai, us har site pe ek safety officer mandatory hai. Agar wo safety officer nahi hai, to wahan pe kaam nahi hoga, ekdam clear hai. Aur uske baad fir kya hota hai ki, उसके बाद भी चुप होने का डर रहता है, तो उसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि रेगुलर सरप्राइज ऑडिट्स हो जाए, कोई वीकली रिव्यू मीटिंग हो जाए, तो कहाँ पे पता चल जाए कि यहाँ कितने मिस हुए हैं, कितने नियर मिस थे, उसके लिए हम आगे ऐसा क्या करें. तो एक सेफ्टी का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ता है, सिर्फ मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें पूरी कंपनी में कल्चर क्रिएट करना पड़ता है, सभी को साथ में लेके अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ती है. तो आई थिंक यू नो लाइक उसमें हमने काफ़ी काम किया स्पेशली लास्ट 1.5-2 सालों में, और उसका एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है हम लोग. ये आपने बहुत अच्छा एक बोला है कि जहाँ पे अगर जिस टाइम कोई सुपरवाइजर नहीं होगा सेफ्टी के लिए, तो उस टाइम कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता है. दैट्स अ वेरी आई मीन गुड स्टेप टू टेक इन दिस वे. संजय जी, यू आर इन दिस इंडस्ट्री फॉर लाइक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, यू हैव सीन मेनी अप्स एंड डाउन्स, मेनी अपीवेल्स. क्या चैलेंजेस या फिर कोई एक चैलेंज जो सबसे मुश्किल रहा हो टैकल करना, और उसके बाद यू हैव कम बैक इवन स्ट्रॉन्गर? या सी, मेरा मानना है कि देखिए लाइफ एक जर्नी है, वैसे एक बिजनेस भी एक जर्नी है ना. सो एंड इस जर्नी में क्या होता है, देर आर बाउंड टू बी नो अप्स एंड डाउन्स. सो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड इसको पार करने का तरीका क्या है? सो मेरे को ऐसा लगता है कि यू नो लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेन फोकस्ड. एक तो फोकस रहना इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद कंसिस्टेंटली फोकस करना बहुत जरूरी है. एक बार फोकस होता है कोई आदमी, बट शॉर्ट टर्म के लिए होता है. मेरा मानना है कि कंसिस्टेंटली फोकस करना बहुत जरूरी है. एक जब एक टारगेट रहता है आपके सामने में, तो उस मार्ग पे कंसिस्टेंटली चलते रहना बहुत जरूरी है, इंस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि हाँ येस दैट विल लीड यू लाइक टू सम डाउनफॉल और आ सकते हैं उसमें, बट कंसिस्टेंट फोकस चाहिए मेरे को लगता है. दूसरा इंपॉर्टेंट मेरे को जो लगता है कि एक नेवर से तो रास्ते में जितने भी कठिनाई आएगी, ठीक है वो तो हम मान के चल रहे हैं रास्ते में कठिनाई आएगी, इज अ पार्ट ऑफ द जर्नी. तो उसमें जो भी कठिनाई आएंगी, उसमें वी हैव टू नो लाइक वी हैव टू रिमेन फर्म, वी हैव टू रिमेन कमिटेड, एंड वी शुड बी एबल टू बाइंड द एंटायर टीम टुगेदर डूइंग डाउन टाइम, नो लाइक वी शुड अलाइन देम. सो हमने देखा है कि जितनी बार भी डिफिकल्टी कुछ आई है, तो हमने जब टीम का सजेशन लिया है, जो तो टीम का सजेशन है, उनकी जो साथ है, अगर साथ में रहते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो पार नहीं कर सकते. तो सबके साथ जब रहते हैं तो रास्ता कुछ ना कुछ निकल ही जाता है. सबका साथ सबका विकास. संजय जी, हाउ ईपैक इज प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ सस्टेनेबिलिटी? Promoting the idea of sustainability. Yeah. See, sustainability is something, you know, for EPAC, which is not just, you know, like a tag word for us. You know, like it is the core of EPAC. So sustainability ke jahan tak baat karenge, to be started as a insulated sandwich panel manufacturer, maine aapko bataya. To wo apne aap mein hi ek aisa product hai jo ki aapko 30% of energy consumption in a building kam kar deta hai. जब आप सैंडविच पैनल यूज करते हो, तो अगर कोई ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई ऐसी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है जहाँ पे कि सब दीवारों पे उसको सैंडविच पैनल को लगाया जाए, तो इट कैन रिड्यूस एयर कंडीशनिंग लोड बाय 30%. तो 30% एनर्जी कॉस्ट को कम करता है वो. तो उसी से हमने प्रेरित होके जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं आज की डेट में, है ना, जैसे कि हम कुछ विंडोज बनाते हैं, तो वो भी डबल ग्लास इंसुलेटेड विंडोज होते हैं, वो सस्टेनेबिलिटी को टेम्परेचर कम करते हैं बिल्डिंग के अंदर. जब हम बात करते हैं कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, तो वो भी उसमें जो पेंटिंग करते हैं इवन, तो वो भी सारे सस्टेनेबिलिटी को देख के ही डिजाइन करते हैं. वी नो लाइक वी आर वेरी फोकस्ड टू मिनिमाइज द यूसेज ऑफ स्टील, टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ स्टील, टू रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ स्टील इन आवर प्रोडक्ट. तो मतलब उस तरह से कंप्लीट अवेयरनेस गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो, यू नो लाइक वी आर कमिंग अप विद सर्टेन सॉल्यूशंस
which will further improve either the thermal conductivity of the building, बिल्डिंग को ठंडा रखेगा, उसमें एसी की को कम कर देगा या खत्म कर देगा, और हमारी जो बिल्डिंगें हैं वो अच्छे से वेंटिलेटेड रहेगी. तो उसको बेटर वेंटिलेशन कैसे करें, उसको जितनी अच्छे से वेंटिलेशन करेंगे उतनी ही रिक्वायरमेंट ऑफ एयर कंडीशनिंग एंड कूलिंग कम हो जाती है. बिल्डिंग को हम जितने अच्छे से डेलाइट यूज करेंगे उतने ही यूज ऑफ लाइट नो फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू लाइट द बिल्डिंग इज रिड्यूस. तो उस तरह से काफी काम कर रहे हैं हम अपनी बिल्डिंग. उतना ही एनवायरमेंटल स्ट्रेस कम बढ़ेगा. जैसे हमने अपने पिछले सवाल में बात की थी कि एनवायरमेंटल कंसर्न काफी रहता है व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑल. संजय जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है टुवर्ड्स दिस डेवलपमेंट. बहुत सारी विकसित भारत करके, मेक इन इंडिया करके स्कीम्स आ गई है. तो ई पार्क किस तरह से इन स्कीम्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है? एक समराइज सवाल पूछो तो हाउ इज ई पार्क कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री? See, we take a lot of pride in the fact that हम जो फैक्ट्री बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, हम जो वेयर हाउसेस बनाते हैं, हम जो हाई राइज बिल्डिंग बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग बनाते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं, उससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है वहाँ पे. अगर हम किसी फैक्ट्री को बना रहे हैं सो वी टेक यू नो लॉट ऑफ प्राइड इन दैट, बिकॉज वो जो फैक्ट्री है वो देश के लिए आगे जाके करोड़ों रुपए का, अरबों खरबों रुपए का उत्पादन करेगी, वो देश की जरूरत पूरा करेगी और साथ ही वो एक्सपोर्ट भी करेगी. बिकॉज अब क्या है कि जिस तरह से पूरी इंडिया में एनवायरनमेंट है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, देश की जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि इंडियन एंटरप्रेन्योर इंडिया से एक्सपोर्ट करे, तो जिस तरह से एक्सपोर्ट फ्रेंडली वातावरण क्रिएट हो रहा है, जिस तरह से लॉजिस्टिक्स में इंप्रूवमेंट आ रहा है जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ईजी हो रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज बेटर हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि हम जो फैक्ट्री बनाते हैं लोगों के लिए वो लोग सिर्फ देश की रिक्वायरमेंट पूरी करने का नहीं सोच रहे हैं, आज को भी एंटरप्रेन्योर वो एक्सपोर्ट्स का सोच रहे हैं, तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है मानते हैं. और दूसरा है कि हमारे जो खुद के प्रोडक्ट्स हैं अगर उसकी आप बात करें तो फॉर अस इम्पोर्ट्स इज 0%. वी डोंट यूज एनी इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इन एनी ऑफ आवर यू नो लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. वी डोंट यूज सिर्फ मशीन, तो डेफिनेटली वी हैव टू इम्पोर्ट. इंडिया में अभी इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है मशीन मैन्युफैक्चरिंग की, तो मशीन और सॉफ्टवेयर ये दो ऐसे पार्ट है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. उसके अलावा अगर रॉ मटेरियल की बात करें तो 100% डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं. इट्स ऑल मेक इन इंडिया, ऑल द मटेरियल मेक इन इंडिया 100%. तो बहुत ही कम ऐसी इंडस्ट्री होगी जहाँ पे कि आपको ऐसा दिखेगा कि 100% डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर रॉ मटेरियल यूज करता है. संजय जी, एक प्रोजेक्ट कि अगर हम सक्सेस मेजर करें, और अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या पैरामीटर्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू विल मेजर द सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट? ठीक है, हाँ ये एक फुलफिलिंग प्रोजेक्ट रहा, आई हैव गिवन माय बेस्ट और मुझे रिजल्ट्स उसके अकॉर्डिंग मिले, व्हाट इज दैट पैरामीटर फॉर यू? या देखिए, मैं सबसे पहले बताऊंगा हमारे लिए प्रोजेक्ट की सक्सेस का मीनिंग क्या है. मेरे लिए प्रोजेक्ट की सक्सेस का मीनिंग है अ डिलाइटेड कस्टमर. अगर मेरा कस्टमर डेफिनेटली मेरा कस्टमर अगर खुश है, डिलाइटेड है, ये थिंग्स दैट मैंने इंपैक्ट को काम दिया, मैंने क्लीन इंजन बिल्डिंग बनाई, मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया, तो आई एम द हैप्पीएस्ट वन. बिकॉज फॉर अस हमारी जो ग्रोथ होती है उसमें ऑर्गेनिक रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का रिपीट ऑर्डर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो सक्सेस तो हमारे लिए वो ही है, बट सक्सेस के साथ साथ वो तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं. बट मैं जब बात करूँ कि एक सक्सेसफुल पीवी कंस्ट्रक्शन क्या होता है ना, एक सक्सेसफुल प्री इंजीनियर बिल्डिंग क्या है, तो प्री इंजीनियर बिल्डिंग का एसेंस जो है वो है टाइम सेविंग. अगर वो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर नहीं आती है सो पीवी बिना मतलब मेरे हिसाब से बनाना बेकार है. तो स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज एसेंस. सो कोई प्रोजेक्ट जहाँ पे हमने स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन डिलीवर किया है ना, तो वो मेरे लिए बहुत ही सुखदायी होता है, अच्छा लगता है कि हमने काफ़ी जल्दी काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया हमने. जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6.5 महीने में हमने वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ऑफ द कंट्री हमने क्रिएट कर दी, तो वो बहुत ही सुखदायी एक्सपीरियंस था मेरे लिए. दूसरा कि कॉस्ट इफेक्टिव, ये प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स जो होते हैं ना ये अराउंड 30-35% स्टील कम यूज करते हैं, है ना, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ओवरऑल. तो उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी हम कितना कंट्रीब्यूट कर पाए, कितने कम रिसोर्सेज हमने यूज करके उतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार कर दी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेरे हिसाब से. वो बताता है कि कितनी सक्सेसफुल वो कंस्ट्रक्शन रहा, उस प्रोजेक्ट रहा वो पीवी का. तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्केलेबिलिटी,
कि प्री इंजीनियर बिल्डिंग में कोई कंस्ट्रक्शन करने का फायदा जब भी है जब बिल्डिंग थोड़ी सी फ्लेक्सिबल रहे, उसकी एक्सपांडेबिलिटी इजी हो जाए, उसका जो मॉड्यूलर नेचर है उसको यूज कर पाएंगे। प्री इंजीनियर बिल्डिंग की खास बात यह है कि अगर आपको कभी किसी बिल्डिंग की लेंथ अगर बढ़ानी है तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उस बिल्डिंग की अगर लेंथ कम करनी है तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आज नहीं 10 साल बाद 20 साल बाद भी आप ये कर सकते हैं। तो ये जो स्केलेबिलिटी की बात करता हूँ, एक्सपांडेबिलिटी की बात करता हूँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग है, और जब भी हम किसी बिल्डिंग में ये कर पाते हैं तो हमारे लिए वो अच्छा लगता है कि यस यू नो हमने पहले अनरिसर्च किया था इस चीज़ को और आज हम उसको कर पा रहे हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी डेमोलेशन के। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एनर्जी एफिशिएंसी। जैसे कि मैंने बताया कि जो प्री इंजीनियर सक्सेसफुल प्री इंजीनियर बिल्डिंग वही है जहाँ पे कि हमने बेटर वेंटिलेशन क्रिएट किया, एक अच्छा सा एटमोसफियर क्रिएट किया काम करने के लिए, जहाँ पे हमने एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट थी इलेक्ट्रिसिटी की उसको कम कर दिया, जहाँ पे कि हमने डे लाइट जो है डे लाइट को बहुत अच्छे से नेचुरल लाइट को यूज़ किया, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें हम अकेले नहीं कर सकते हैं, तो हमें जो हमारे आर्किटेक्ट्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, उनके साथ मिलकर काम करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट्स इन सो लाइक बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द एनर्जी, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ डे लाइट, तो उनके बहुत सारे आइडियाज हैं, उनको एग्जीक्यूशन कैसे करें हमें ये करना पड़ता है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम जब कुछ नया कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। सजय जी, अगर इस फील्ड की बात करें तो सिंस यू आर इन द गोल्डन एरा और काफी कुछ हो रहा है, अगर हम अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लेवल पे भी बात करें और इस सेक्टर के डेवलपमेंट पे भी बात करें, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले से 10 सालों में 15 सालों में व्हाट इज द फ्यूचर? और इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो जॉब करने से ज्यादा अपना कुछ यू नो एंटरप्रेन्योरशिप की एक स्पिरिट ज्यादा आ गई है स्टार्टअप्स पे। जैसे अभी मैं पिछले दिन एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि 1.4 लाख स्टार्टअप्स ने जो गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के साथ रजिस्टर किया है, जिसकी वजह से काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई है अक्रॉस द कंट्री। तो क्या लगता है आपको कि इस सेक्टर का फ्यूचर क्या है आने वाले से 10 सालों में 15 सालों में? और दूसरी चीज ये कि जो यंगस्टर्स है अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, इसी फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप एक बिगनर को क्या टिप देंगे एज अ इंडस्ट्री एक्सपर्ट? देखिए, हमारा जो प्रोडक्ट है ये प्री इंजीनियर बिल्डिंग है, तो प्री इंजीनियर बिल्डिंग जैसे मैंने कि आपको बताया, ये क्या करता है कि ये टाइम कम करता है साइट पे कंस्ट्रक्शन का, है ना। तो हम तो सिर्फ एक पार्ट ऑफ द बिल्डिंग को, एक पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं, वो है कि स्ट्रक्चर है और साथ में वॉल और रूफ है, ये सोल्यूशन को है। बट अगर आप बात करें कि और क्या प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे देखेंगे तो जो सिविल वर्क होता है जिससे कि फाउंडेशंस बनती है, उसमें काफ़ी डिलेज होते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जब भी कोई बारिश आती है या तेज धूप होती है तो वर्कर काम नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे ट्रियाज का एक बहुत बड़ा रोल है। तो अभी एट दिस टाइम पीपल आर वर्किंग ऑन इट, वो चाह रहे हैं कि कैसे ट्रियाज से उस प्रॉब्लम को दूर किया जाए, बट अभी तक वैसा कुछ हो नहीं पाया है। तो मैं पर्सनली मानता हूँ कि जो मोर एंड मोर यूसेज ऑफ प्रीकास्ट, जैसे कि प्रीकास्ट ड्रेन आजकल बन के आ रहे हैं ऑलरेडी ना, पहले ड्रेन बनाने में साइट पर बहुत दिक्कत होती थी, काफ़ी टाइम लगता था, तो प्रीकास्ट ड्रेन फैक्ट्री से बन के आ रहे हैं, साइट पे सिर्फ लग जाते हैं इजीली। जैसे कुछ कलवर्ट्स होते हैं जिसके ऊपर से गाड़ियाँ जाती हैं, वो कलवर्ट्स बन के आ रहे हैं, है ना, प्रीकास्ट, तो वो हो जाता है बहुत इजीली काम। तीसरा है कि जैसे प्रीकास्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, एसटीपी है, ईटीपी है, इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जो भी यंगस्टर है उसको ये देखना चाहिए कि वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि साइट पे काम डिले होता है, बिकॉज एक एनवायरनमेंट जब आप रहते काम करते हैं अपने कंट्रोल से बाहर जब काम करते हैं तो डिपेंडेंसी ऑन मैन पावर इंक्रीजेज अलॉन, या तो आपका कंट्रोल छूट जाता है। तो एनी थिंग विच हैज टू विद यू नो लाइक प्री फैब और प्री कास्ट यू नो विल डू वंडर्स इन फ्यूचर। जैसे कि बात करें अपन, हमारा हालांकि वो लाइन नहीं है मेरी, जैसे मार्बल की बात करें तो आपको अगर पहले पता होगा तो जो मार्बल जब फिक्सिंग होती थी तो क्या होता था कि मार्बल नेशनल मार्बल घर के बाहर आता की मेजरमेंट कर करके फिर वो फिक्सिंग करते थे, तो काफी टाइम लगता था। अब वो इंजीनियर मार्बल्स आ गए हैं, है ना, उससे क्या हो रहा है कि स्टैंडर्ड साइजेस है उसकी, फटाफट फिक्सिंग कर दो तो टाइम उससे हाफ हो गया है। अगर आज के डेट में फ्लोरिंग में देखेंगे तो कारपेटिंग कर लेते हैं लोग, या फिर बहुत ही तरह के जो वुडन फ्लोरिंग आ गई है अलग तरह की, उस तरह के प्रोडक्ट इसलिए चल रहे हैं कि उससे स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है, ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गई है।
So, you know, like any beginner who wants to get into this construction industry, you should definitely work on products which will ease the work at the site, which will expedite the overall construction process, and the products which are sustainable in nature. जो नेचर से कम यूज करें और ज्यादा दे, उस तरह के प्रोडक्ट्स तो काफी हेल्प करेंगे. जैसे कि आप अगर देखेंगे हमारे लिए टू द यूज ऑफ इंसुलेटेड पैनल्स ऑन द रूफ, जिससे कि अंदर जो वातावरण होता है बिल्कुल टेम्परेचर कम हो जाता है. तो यूज ऑफ इंसुलेटेड पैनल्स है, सोलर पैनल्स है, ग्रीन रूफ है. तो ये फॉरवर्ड ट्रेंड्स है कंस्ट्रक्शन में, इस तरह की एप्लीकेशन बहुत बढ़ने वाले हैं. तो मतलब ये सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, ये कंस्ट्रक्शन में ट्रेंड्स है. Use of recycled products है, ये कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये ट्रेंड्स है. और इसके अलावा टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो जैसे कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग होता है, BIM बोलते हैं, तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग हो गया, या फिर ऑगमेंटेड रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी, इन सब का जो एप्लीकेशन है PV डिज़ाइन में या कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में, है ना, ओवरऑल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है अभी ऑलरेडी और आगे भी हो जाएगा. सिमिलरली जैसे हम लोगों के लिए अगर बात करें तो द यूज ऑफ ऑटोमेशन, यूज ऑफ रोबोटिक्स इन प्री इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हम लोगों के लिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमारी जो एफिशिएंसी है, हमारी जो प्रिसीजन है, वो बहुत बढ़ जाती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. तो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन गोइंग फॉरवर्ड नो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर यंगस्टर है तो वो सिर्फ रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में भी काम कर सकता है. कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री को पकड़ के, जैसे हमारी इंडस्ट्री को अगर पकड़े, हमारे पास कोई अगर आए कि मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन कर सकता हूँ, उसको और एक्यूरेट बना सकता हूँ थ्रू दिस यूटिलाइजेशन ऑफ दिस यू नो ऑटोमेशन और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, देन वी विल वेलकम दैट. तो मेरे तरह से ये अपॉर्चुनिटी, मेरे ख्याल से ये ट्रेंड्स हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं बिगिनर्स के लिए इंडस्ट्री में. मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी है, समवन वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट, स्टार्ट करना चाहता है इसमें, तो इट इज अ वेरी गुड फ्यूचर एंड ग्रोथ इन दिस. संजय जी, बिफोर एंडिंग ऑन दिस, एक क्विक सवाल जो आई थिंक बड़े सारे लोगों के माइंड में चलता है और हमारे व्यूअर्स के माइंड में भी चल रहा होगा, तो मैं एक एक्सपर्ट से इसका जवाब चाहूंगी. कैन लग्जरी एंड कम्फर्ट गो हैंड इन हैंड? क्योंकि ये मिडिल क्लास का बहुत सवाल रहता है अगर देखा जाए तो, कि लग्जरी भी चाहिए, क्या उसके साथ कंफर्ट मिलेगा, और अगर कंफर्ट मिल गया तो क्या लग्जरी सेटअप मिलेगा? सो कैन दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड? या सी, आई थिंक दे कैन गो हैंड इन हैंड. लग्जरी, यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज लग्जरी. यू नो, लाइक अ लग्जरी टू अ पर्सन मे नॉट बी द लग्जरी टू द अदर वन, राइट? यस, इट्स वेरी सब्जेक्टिव. Yeah, it's very, very subjective. But when you look at pre-engineered building, then yes, someone may think that, you know, like, ki ek achha sa atmosphere create karna is a luxury. But main usko luxury nahi manta, main usko zarurat manta hu. Because usse aapki productivity improve hoti hai, hai na? Kai log sochte hain ki hum ek nayi factory banane ke liye ya apna construction karne ke liye hame kya zarurat hai pre-engineered banane ki, ki hame kya zarurat hai ki achhi si building banane ki, hai na? Hum to jaise purane zamane mein kuch factory banti thi gandi si, shabby si, वैसा भी बना के तो काम कर सकता है हमारा, बट वो सोच लग्जरी नहीं है, वो आज के टाइम में नीड है. इफ यू वांट टू अट्रैक्ट गुड टैलेंट, देन यू नो, लाइक जो यंगस्टर्स है वो जो भी आएंगे, जब आपकी फैसिलिटी, आपकी ऑफिस अच्छे से बनी हुई है ना, बिकॉज उनको क्या है कि सोशल मीडिया में प्रेजेंस रखना है, तो वो गंदी से फैक्ट्री के आगे खड़े होकर अपनी सेल्फी नहीं लेंगे कि ये मेरा वर्क प्लेस है ना. तो उनको अच्छा एटमोसफेयर चाहिए, तो वो है एक इम्पॉर्टेंट है. दूसरा है कि मतलब फैसिलिटीज जो है, सबको आज के टाइम में बेसिक फैसिलिटीज चाहिए ही चाहिए. Without facilities, people won't be able to work. तो मैं उसको लग्जरी नहीं, थोड़ा सा कम्फर्ट बोलूंगा. कम्फर्ट देने से आइडियाज जनरेट होते हैं, कम्फर्ट देने से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है. ओके, सो ये था हमारा जवाब इंडस्ट्री एक्सपर्ट की तरफ से. थैंक यू सो मच मिस्टर संजय सिंघानिया फॉर बीइंग विद अस. काफी सारे आपने इंसाइटफुल शेयर किए, काफी कुछ नॉलेज दी हमें अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में, इस फील्ड के बारे में, प्री इंजीनियर बिल्डिंग्स के बारे में, और बताया कि किस तरह से अगर कोई अपना स्टार्टअप या जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आ सकते हैं, ग्रोथ का पूरा पूरा स्कोप है. और किस तरह से जो आपकी कंपनी है वो सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत कुछ कर रही है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है. सो थैंक यू सो मच संजय जी फॉर बींग विद अस एंड गिविंग योर टाइम. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू.
And I think, you know, if I am able to inspire even one single youngster, then I think, you know, this 40 minutes which we have spent together is really worth its while. बिल्कुल सर, बहुत इंस्पायर किया होगा क्योंकि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस फील्ड से जुड़े हैं। जैसे मैंने बिगनिंग में कहा था कि कंस्ट्रक्शन वर्ड एक ऐसा है कि कहीं ना कहीं, चाहे वो आम इंसान हो, चाहे वो थोड़ा खास इंसान हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्ड से वो जुड़ा है कहीं ना कहीं। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन संजय जी, थैंक यू। ये थे हमारे साथ संजय सिंघानिया जी, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ईपैक कंपनीज। दोस्तों मुझे जरूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा ये फाउंडर्स टॉक का एपिसोड कैसा लगा, हमारा सेक्टर जो हमने आज आपके लिए खास चुना कंस्ट्रक्शन कैसा लगा, और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपका फेवरेट पार्ट क्या है, और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो क्या चीजें हैं नई जो आपने आज सीखी, और अगले एपिसोड में आप और क्या देखना चाहेंगे, किस चीज पे बात करना चाहेंगे, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो ज्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और मिलते हैं एक अगले एपिसोड के साथ अपने इस फाउंडर्स टॉक सीरीज में। तब तक के लिए थैंक यू।